नमस्कार दोस्तों दोस्तों हमारे चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित पांच इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि बच्चों के मन में अक्सर उठते रहते हैं। दोस्तों जो हमारा पहला प्रश्न है वो है एज काउंट कब से होगा, दूसरा है वैकेंसी के आने की संभावना कितनी है या फिर कब तक है। दोस्तों एग्जाम के बाद रनिंग करें या एग्जाम के पहले रनिंग करें, यह तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न है यूपीएसआई का विज्ञापन जो है वो कब तक जारी होने की संभावना है। पांचवा और आखिरी प्रश्न है वो है एज रिलैक्सेशन। अब दोस्तों हम बारी बारी करकर जो है पांचों प्रश्नों को देखेंगे और पांचों प्रश्नों को मैं जो है आपको विस्तार से इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका भी सपना खाकी वर्दी है तो आपके लिए ये चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों एज काउंट कब से होगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो एज काउंट की बात जब भी आती है तो 1 जुलाई की बात होती है। कब से होती है? 1 जुलाई। अब बच्चों के मन में प्रश्न ये उठ रहा है कि सर पहले वैकेंसी जनवरी तक आनी थी, जनवरी में जैसा कि बोला गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि जनवरी में वैकेंसी आ जाएगी, तब तो 1 जुलाई समझ में आ रहा था कि चलो हाँ ठीक है। अगर वैकेंसी जुलाई के बाद आती है तब फिर एज काउंट कब से होगा? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि वैकेंसी चाहे जब आए, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड जो है उसका अभी तक का नियम यही रहा है कि 1 जुलाई से ही जो है एज काउंट किया जाता है। पर अगर वैकेंसी आने के बाद अगर इसमें कोई चेंजिंग आती है तो आपको इससे जो है जरूर अवगत कराया जाएगा। फिलहाल आप एक बात मान के चले कि आपकी जो एज काउंट है वो 1 जुलाई 2023 अगर 23 में आती है तो 2023 से ही जो है कि आपकी जो एज काउंट है वो होगी। दोस्तों जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो है वैकेंसी के आने की संभावना कब तक है। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठता है क्योंकि बच्चे जो है कि बार बार प्रश्न यही पूछते हैं कि सर वैकेंसी कब आ रही है, यूपी पुलिस की वैकेंसी का इंतजार करते करते मैं बूढ़ा हो रहा हूं, और कुछ तो ये कहते हैं कि सर घर वाले शादी का, खासतौर से महिलाओं का ये प्रश्न अक्सर आता है कि सर घर से दबाव बन रहा है शादी को लेके। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आपका सपना खाकी वर्दी है तो आपके अंदर जो है कहीं ना कहीं पेशेंस होना चाहिए, धैर्य के साथ आपको काम लेना पड़ेगा। अब रहेगी बात भर्ती के आने की संभावना, तो मैं आपको बता दूं कि आप अप्रैल मई जून ये 3 महीने आपको इंतजार करने हैं। अगर इन 3 महीनों में आ गया तो ठीक, वरना बहुत ज्यादा संभावना है कि भर्ती आपकी जो है कि इस साल के लास्ट तक आएगी, जुलाई अगस्त में कोई संभावना नहीं है। अब दोस्तों जो हमारा तीसरा प्रश्न है उसका मैं आप सबको जो है कि आंसर दे देता हूं, एग्जाम के बाद रनिंग करें या फिर एग्जाम के पहले। तो भाई मेरे अभी तो आपकी वैकेंसी आई नहीं, और वैकेंसी अभी आई भी नहीं, विज्ञापन भी नहीं जारी हुआ और ना आपका एग्जाम हुआ है, तो आप पहले से रनिंग करके अपने, खासतौर से लड़कों की बात कर रहा हूं, अगर आप रनिंग करते हैं तो रनिंग करने के बाद आपके बॉडी में जो है एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाता है, जिस वजह से नींद बहुत अधिक आएगा और इससे कहीं ना कहीं आपकी जो एग्जाम की जो तैयारी है वो प्रभावित होगी। तो जो बच्चे अभी से रनिंग कर रहे हैं, मेरा उनसे खास तौर से ये मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप अभी से रनिंग मत करिए। हाँ, जो बच्चे फिजिकली रूप से फिट नहीं है या फिर जिनका वेट बहुत अधिक है या ओवरवेट में है जो बच्चे, वो हल्का फुल्का जो है कि अपना रनिंग कर सकते हैं अपनी फिटनेस के लिए। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल फिट है, भाई देखो 5 किलोमीटर की रनिंग आप 10 दिन में ही बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि पहले आप केवल एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि अगर आपका एग्जाम निकल गया तो यानी मान के चलो कि आपके 70% जो है यूपी पुलिस में ज्वाइन होने का जो आपका सपना है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको केवल और केवल अभी एग्जाम की तैयारी करनी है, फिजिकल की तैयारी नहीं करनी है, रनिंग नहीं करना है। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है यूपीएसआई का विज्ञापन कब तक जारी होगा। तो भाई मेरे 2023 में कोई उम्मीद नहीं है यूपीएसआई की, मैं ये लिख कर दे रहा हूं। और अगर यूपीएसआई की वैकेंसी 2023 में आ गई तो आप हमें कमेंट में आकर जो है उल्टा सीधा कह भी सकते हो या आप बिल्कुल फ्री हो, लेकिन 2023 में जो है यूपीएसआई की वैकेंसी नहीं आएगी, ये मैं बिल्कुल एकदम जो है 100% श्योर हूं। हां, ये अलग बात है कि आपकी जो भर्ती है, जो यूपीएसआई की भर्ती, वो आनी जरूर है लेकिन 2023 में नहीं आएगी। इसके बहुत ज्यादा चांस है कि 2024 का जो हमारा लोकसभा का चुनाव होना है उसके बाद आएगी भर्ती। दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है वो है एज रिलैक्सेशन को लेके। बच्चे सबसे ज्यादा प्रश्न जो सेकंड नंबर पे आता है, सबसे ज्यादा प्रश्न बच्चों का वो यही है एज रिलैक्सेशन, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि भर्ती पिछले 4-5 सालों से नहीं आई है। ऐसे में कई बच्चे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, जिनको अपने उम्र सीमा को लेके जो बच्चे जो है डाउट में है या फिर बहुत टेंशन में रहते हैं। तो भाई मैं बता दूं कि 2 साल
मैं हमेशा से बोलता आया हूं, आज भी मैं अपने बात पे मैं अडिग हूं कि आपको 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा कम से कम, क्योंकि एसएससी जीडी में 3 साल का मिला है। एसएससी जीडी में कितने साल का मिला है? 3 साल का एज रिलैक्सेशन एसएससी जीडी में दिया गया है। और कुछ स्टेट पुलिस है, कुछ स्टेट पुलिस के एग्जाम में जो है कि और भी अधिक देने की बात कही गई है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई मेरे, आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल एग्जाम की तैयारी करो। अगर आप 1 साल 2 साल 2 साल से अधिक वालों को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 2 साल जो बच्चे ओवर एज हो रहे हैं 2 साल से, तो आप जो है क्या करो कि आप एग्जाम की तैयारी करो, आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा 2 साल, है ना। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो प्रश्न है, ये बच्चों के मन में प्रश्न उठते हैं और उठने स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है कि भाई देखो, अगर मैं भी आपकी जगह पे होता तो मेरे मन में भी यही सारे प्रश्न उठते रहते। 2018 में जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, जिस भर्ती में 41,520 में, उसके पहले भी कुछ इसी प्रकार से जो है कि सिचुएशंस हमारे सामने भी थे। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी अपने अनुभवों से, मैं आपके आपके जो अंदर जो चल रही है बातें, उसको मैं समझने का प्रयास करता रहता हूं। तो इसी अकॉर्डिंग जो है कि मैं ये आज का वीडियो लेकर आया हूं। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स अच्छे समझ में आएंगे। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।